इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम शेयर के ऊपर। पेटीएम शेयर में आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, मैंने अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए, आज है 11 दिसंबर और 12 मतलब तारीख के लिए क्या लेवल्स बन रहा है, जो कि आप ध्यान दे सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में देखने वाले हैं। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी पेटीएम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक ही दिन में काफ़ी बड़ा क्रैश जो है देखने को मिला। आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 20% का गिरावट एक ही दिन में स्टॉक में हमें देखने को मिला था। तो कह सकते हो कि एक बड़ा सा गिरावट का वजह क्या था, वो हम यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जो भी करना है अपने रिस्क पे कीजिएगा, कोई भी स्टॉक हो रिस्क तो होता ही है हर एक स्टॉक में। और इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो लगातार ये जो एक साल के अंदर में जो रिकवरी यहाँ पे लगातार किया हुआ था, आप देखेंगे यहाँ पे लगातार एक साल के अंदर में जो अपने रिकवरी यहाँ पे किया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग जो अगर कहो 50% से ऊपर, 70% से ऊपर जो कहो, ये रिकवरी किया हुआ था, उस रिकवरी को एक ही झटके में जो है यहाँ पे डाउन कर दिया इस गिरावट ने 20% का। कह सकते हो एकदम से गिरावट ने डाउन कर दिया रिकवरी को। 50% से भी ऊपर का जो रिकवरी किया हुआ था वो एकदम से एक झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया, कह सकते हो मतलब सब कुछ डाउन हो गया। और अगर हम बात करेंगे पेटीएम शेयर का तो कह सकते हो पेटीएम शेयर का काफ़ी अलग अलग बिजनेसेस है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो जो ये लोन का है, पोस्टपेड लोन या फिर और कह सकते हो और भी काफ़ी सारी तरह का लोन मतलब यहाँ प्रोवाइड करता है पेटीएम, खुद जाकर पेटीएम ऐप में आप चेक कर सकते हो। उसके ऊपर दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो आरबीआई ने जो नियम जो है लाया अनसिक्योर लोन के ऊपर, दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आरबीआई ने जो नियम लाया अनसिक्योर लोन्स के ऊपर, तो इसकी वजह से दोस्तों अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा गिरावट कह सकते हो हमें जो है देखने को मिला पेटीएम के ऊपर। इस लोन का जो ये न्यूज़ था दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई ने जो न्यूज़ लगाया मतलब जो भी यहाँ पे नियम जो भी कह सकते हो न्यूज़ आया, और इसकी वजह से एनबीएफसी के द्वारा मतलब की वजह से यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो भी लोन का यहाँ पे न्यूज़ था, जो भी कह सकते हो आप अनसिक्योर्ड लोन और जो भी है, तो जितने भी फाइनेंस सेक्टर के जितने भी यहाँ पे इस टाइप के लोन जो है प्रोवाइड करते हैं कंपनीज, सभी पे कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रभाव पड़ा इस न्यूज़ का दोस्तों अगर हम बात करेंगे। और उसमें एक पेटीएम भी शामिल है जहाँ पे ये भी लोन प्रोवाइड करता है पोस्टपेड लोन की अगर हम बात करेंगे जो भी है, तो कह सकते हो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिला हमें पेटीएम में। और काफ़ी दोस्तों अगर हम बात करेंगे और यहाँ पे अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो एंट्री पॉइंट एवरेज है टिकट टाइप के हिसाब से, अगर हम बात करेंगे जीरो दर टिकट टाइप, और रेड फ्लैग यहाँ पे लो है, स्टॉक नहीं एएसएम लिस्ट में, नहीं जीएसएम लिस्ट में, तो ये अच्छी बात है कि स्टॉक एएसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है। और जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है आप यहाँ पे देख सकते हो। बात करेंगे यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, कंपनी पहले से लगातार यहाँ पे जैसे जोमेटो का था काफ़ी बड़ा गिरावट के बाद मतलब लगातार मतलब कह सकते हो लॉस में था, वैसे ही पेटीएम की अगर हम बात करें और यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट कैप 40,000 करोड़ से भी ऊपर का है, 41,638 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी इसका भी नहीं है, जोमेटो का भी स्टॉक भी नहीं है, आरओसी और आरओई दोनों ही माइनस में है, जोमेटो का भी और इसका भी, ओपीएम भी माइनस में है जैसे जोमेटो का है तो। और एफआईएस का होल्डिंग यहाँ पे भी 60% से ऊपर है, आप देखेंगे 60.9% का होल्डिंग एफआईएस के पास है। और बाकी और कुछ प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे डाटा इंशो नहीं कर रहा है। बाकी अगर बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आप यहाँ पे देख ही सकते हो, थोड़ा सा डिटेल के अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एनालिसिस के बारे में, कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो ये एक अच्छी बात निकल गया था कि कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड द प्रोज एंड कॉन्स आर मशीन जनरेटेड, आप यहाँ पे ये बात भी नोटिस करना, ये आप देख सकते हो। और अगर हम बात करेंगे कि क्वार्टर बेसिस पे तो पहले के मुकाबले कह सकते हो सेल्स में हमें इंक्रीज हुआ है, और क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में कह सकते हो यहाँ पे पहले 333 करोड़ का मतलब लॉस था मतलब माइनस में था, 324 करोड़ हुआ तो थोड़ा सा कह सकते हो रिकवर हुआ। और अगर हम बात करेंगे तो मतलब थोड़ा सा रिकवर किया है, बट उसके पहले से देखेंगे तो कह सकते हो लॉस काफ़ी हाई है 203 से एकदम से 324। और अगर हम बात करेंगे बट 2023 का ईयर बेसिस पे तो कह सकते हो ईयर बेसिस पे यहाँ पे रिकवरी थोड़ा हमें देखने को मिला है 2022 के मुकाबले नेट प्रॉफिट में, और सेल में कह सकते हो इंक्रीज हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी बात है इंक्रीज हुआ है। और टीटीएम में भी कह सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी हमें देखने को मिला है, मतलब पहले माइनस में ही है बट थोड़ा डाउन हुआ है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी है बैलेंस शीट देख सकते हो, रिजर्व टोटल एसेट्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, रिजर्व यहाँ पे कह सकते हो ये भी इंक्रीज हुआ है। नेट कैश फ्लो अभी में पॉजिटिव में है 1936 करोड़ का, 1272 से 1936 हुआ है, तो कह सकते हो यहाँ पे ये भी इंक्रीज हुआ है, अच्छी बात है। और बाकी अगर हम बात करेंगे लेवल्स के बारे में, क्या लेवल्स बन रहा है जिस पे आप ध्यान दे सकते हो, उसके पहले यहाँ पे आप कुछ एनएससी के वेबसाइट्स पे हम हैं जहाँ पे आप देखेंगे 197 कम्युनिकेशन का आज के दिन का जो भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। ऑर्डर बुक देखेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद भी यहाँ पे आप देखेंगे बाई क्वांटिटी 592 लगा हुआ है पेटीएम शेयर की अगर हम बात करेंगे।
और वहीं पे आप 52 वीक हाई और लो यहाँ पे देख ही सकते हो। और फिर से अपना हाई जो बनाया हुआ था 52 वीक का 998 का, जब यहाँ पे फिर से ग्राउंड देखने को मिल गया और कह सकते हो। और फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक में क्वांटिटी ट्रेडेड अगर हम बात करें 11 दिसंबर का, यानी आज के दिन अगर हम देखेंगे 11 दिसंबर का क्वांटिटी ट्रेडेड 52,45,093 आप देखेंगे यहाँ पे, जिसमें से 25,01,604 यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है डिलीवरेबल क्वांटिटी, ग्रॉस क्रॉस क्लाइंट लेवल आप देखेंगे तो डिलीवरेबल क्वांटिटी या परसेंटेज जो है 40-45% से भी ऊपर है, 47% से भी ऊपर है। तो ये काफ़ी अच्छी बात निकल के आता है कि कहीं ना कहीं डिलीवरेबल क्वांटिटी डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा माल उठाया जा रहा है दोस्तों अगर हम बात करेंगे एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिलहाल अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि ये अच्छी बात निकल के आता है कि कहीं ना कहीं डिलीवरी में माल उठाया जा रहा है काफ़ी अच्छा, कह सकते हो कि एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग, और ये अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर देखेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, और एक बड़ा सा तेज़ी के बाद गिरावट तो मतलब हर एक स्टॉक में रहता है, बट एक बड़ा गिरावट के बाद फिर से तेज़ी हमें देखने को मिलता है, ये एक न्यूज़ के वजह से गिरा है जो कि अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर। बाकी और कुछ तो यहाँ पे हमें देखने को मिल नहीं रहा है जिसके वजह से यहाँ पे बड़ा इतना बड़ा गिरावट हो, बट फिर भी यहाँ पे अब धीरे धीरे सुधार होगा और धीरे रिकवर करेगा। बाकी अगर हम बात करेंगे अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, बात करेंगे अगले ट्रेडिंग आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या लेवल बन रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपसाइड के लिए लेवल, उसके बाद डाउन साइड के लिए हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे, बिकॉज पहले का जो सपोर्ट है जो इसके पहले जो 500 के नीचे मतलब कह सकते हो 600 के नीचे जो भी गया था उस टाइम का सपोर्ट हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा जहाँ पे सपोर्ट बन रहा है दोस्तों अगर हम बात करें। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे तो अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या लेवल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला जो लेवल डाउन साइड के लिए या फिर अपसाइड के लिए अगर हम बात करें, अपसाइड के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि लेवल है कुछ इतने का। सबसे पहला अगर आपको तेजी दिखने को मिलता है 674 के लेवल पे, आप ध्यान दीजिएगा 674 के लेवल पे, इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल हमारा कुछ इतना का रहेगा जो कि है आप देखेंगे यहाँ पे 700 का लेवल, पूरा 700 का लेवल, और लास्ट लेवल कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो देखने को मिल रहा है 730 का लेवल। तो ये कुछ तीन लेवल है जो कि अपसाइड में आप ध्यान दीजिएगा अगर आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिलता है तो, इन तीनों को ब्रेक करता है तो फिर एक ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़बरदस्त तेजी मतलब यहाँ पे। बाकी अगर देखा जाए तो डाउन साइड के लिए यानी सपोर्ट लेवल क्या बन रहा है जिस पर आप ध्यान दे सकते हो अगर आपको बाई चांस थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले तो सबसे पहले डाउन साइड के लिए लेवल कौन सा है, सबसे पहला लेवल कौन सा है डाउन साइड का वो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद अपसाइड के लिए और मैंने आपको बता ही दिया है तो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे कोई भी स्टॉक हो, मार्केट में कोई भी स्टॉक हो, कहीं ना कहीं न्यूज़ एक बहुत बड़ा मैटर करता है गिरावट का। एक न्यूज़ आया और पूरा मार्केट ढह जाता है न्यूज़ से अगर हम बात करें तो न्यूज़ से तो पूरा मार्केट गिर जाता है, तो ये एक स्टॉक तो वो अलग की बात है। और पॉजिटिव न्यूज़ आया तो फिर तेज़ी होगा और नेगेटिव न्यूज़ आया तो फिर डाउन होगा। कल मैंने आपको एक स्टॉक के बारे में बताया हुआ था जो कि एक पेनी स्टॉक है, वहाँ पे आपको 22.5 करोड़ का जो ऑर्डर मिला हुआ था स्टॉक में, और वो ऑर्डर मार्केट क्लोज होने के मतलब बाद मिला हुआ था शुक्रवार के दिन, और आज के दिन उसमें शॉर्ट सर्किट लग गया, जबकि मैंने कल भी आपको कल ही बता दिया था उस स्टॉक के बारे में कि कल इसमें ज़बरदस्त तेज़ी हो सकता है, और कहीं ना कहीं मिल गया देखने को बिकॉज ऑर्डर मिला था स्टॉक मतलब कंपनी को। तो कह सकते हो कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ हो तो फिर तेज़ी तो बनता है, नेगेटिव न्यूज़ हो तो फिर गिरावट तो होता ही है। बाकी अगर हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए सबसे पहला लेवल है 640 का लेवल, इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करेंगे जो कि आप ध्यान में रखिएगा 640 के बाद यहाँ पे कुछ ये वाला लेवल 615 का लेवल, और फिर आप ये कुछ लेवल दोनों आप ध्यान में रख सकते हो। और उसके पहले एक और लेवल है जो कि आप ध्यान दीजिएगा 624 का लेवल। तो ये कुछ तीन डाउन साइड के लिए और ये कुछ तीन अप साइड के लिए जो कि आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ध्यान दे सकते हो अगर आपको तेज़ी देखने को मिलता है तो अप साइड में, और डाउन साइड में अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है तो। बाकी अगर हम बात करेंगे तो वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो भी करना है अपना रिस्क पे कीजिएगा और फाइनल डिसीजन तो आपका ही होना चाहिए मेरे कहने पे या फिर किसी और के कहने पे। डायरेक्ट आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने आप से स्टडी कीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। तो चलिए आज के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस वीडियो इज ऑनली फॉर एजुकेशन पर्पज़, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, फाइनल डिसीजन जो भी है आपका ही होना चाहिए। पैसा आपका है तो लॉस होगा तो आपका ही होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा, उसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज ऑनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।